माय चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ नोक्टा माइक्रो का एम्फीबियो मल्टी। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको एम्फीबियो मल्टी असेंबल करना है। और उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे आपको एम्फीबियो मल्टी यूज करना है। जी हाँ, तो दोस्तों जो है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपका दोस्त संजय पासी। तो दोस्तों जो है, मैं आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ कि नोक्टा एम्फीबियो मल्टी हर मशीन से खास क्यों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि सबसे वाटरप्रूफ मशीन है, सबसे बढ़िया और स्मूथ चलने वाला डिटेक्टर, जिससे जो है आप चाहे तो नगेट हंटिंग, कॉइन हंटिंग, ट्रेजर हंटिंग A to Z, यानी आप मल्टीपल वर्क आप इससे कर सकते हैं। ये मल्टी फ्रिक्वेंसी की मशीन है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एम्फीबियो मल्टी यानी मल्टी पर्पज साफ साफ लिखा हुआ है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 5 kHz, 14 kHz एंड 20 kHz, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप चाहें उस फ्रिक्वेंसी पे इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने जो है अपने पिछले वीडियो में भी जो है डिस्कस कर चुका हूं इन सभी मशीनों के खास फंक्शन और फीचर्स के बारे में, और मैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस मशीन का फंक्शन और फीचर्स, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं जो है अब बॉक्स को ओपन करता हूँ, ठीक है, आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज आपको मिलेगा और उसके बाद कैसे असेंबल करना वो मैं हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक है 11 इंची का प्लेट है और एक प्लेट है जो कि ये 9 इंची का है, ठीक है दोस्तों। ये इसका वारंटी सर्टिफिकेट और यूजर मैनुअल है। इसमें जो है अगर आप नगेट हंटिंग या कॉइन हंटिंग करते हैं तो डिगिंग करने के लिए भी आपको ये मिलेगा, और इसमें एक वायरलेस हेडफोन आपको मिल जाएगा। इसमें USB केबल और आपको ये चार्जर सॉकेट है ये मिलेगा और एक नट मिलेगा एक्स्ट्रा। और दोस्तों ये है, इसमें एक पावर बैंक अलग से दिया जाता है बैटरी बैकअप के लिए, जैसे अगर आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हैं तो ये अलग से मिलता है, लेकिन दोस्तों हम आपको इस मशीन के साथ आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको मिल जाएगा इस मशीन के साथ अलग से बैटरी कैरी करने के लिए, और इसमें एक कैप मिलेगा आपको। और ये है होस्ट मशीन, फुल वाटरप्रूफ होता है, इसमें जो है ये इनबिल्ट होती है बैटरी, चाहे तो आप इसके थ्रू आप मशीन को यूज कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। और ये पावर बैंक जो दिया गया है बैटरी सॉकेट है, ये अलग से भी आप यहां लगा सकते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसमें 7 तरह के ऑप्शनल कॉइल होती हैं, अलग से आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गहराई चाहिए तो ज्यादा गहराई के लिए जो है 15 इंची की कॉइल आती है, वो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा गहराई मिल जाएगा, ज्यादा आपको डेप्थ मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 7 ऑप्शनल कॉइल्स टू चूज फ्रॉम। इस फंक्शन में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं जो है इसको आपको दिखाता हूँ कैसे असेंबल करना है। तो सबसे पहले जो है मैं 11 इंची कॉइल जो है इसमें अटैच करता हूँ। ये इसका नट है, ठीक है, इसमें 2 रबड़ होता है जो कि आप इसमें अटैच करना होता है, ठीक है। रबड़ लगाने के बाद आपको जो है ये कॉइल से अटैच करना होगा। ये मैंने इसको टाइट कर दिया, उसके बाद ये अलग से एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, ये आपको इसके अंदर जो है इंसर्ट करना होगा। उसके बाद इसे मैंने लॉक कर दिया, उसके बाद ये सेम टू सेम ऐसा ही करना होगा होस्ट मशीन को, ये देखिए, ठीक है। तो देखा दोस्तों, बिल्कुल असेंबल करने में इजी है, आप आसानी से असेंबल इसे कर सकते हैं। और ये जो रेड कलर का बटन है, आप इसको ऐसे करिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से जहां चाहें वहां आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है वायर को आप इसे बड़ा कर लीजिए, ठीक है, अपने लंबाई के हिसाब से जहां चाहे वहां इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे प्रॉपर रैप कर दीजिए, ठीक है। रैप करने के बाद आप यहां देख सकते हैं सॉकेट है, यहां पर आप जो है ये चार्जिंग जैक होता है, चार्ज कर सकते हैं मशीन को, इसमें ये पिन होता है, उसके बाद टाइट कर दीजिए इसे, इसे जो है आपको अच्छे से टाइट करना होगा, ठीक है। मशीन रेडी हो गया, यहां से मैं मशीन को ऑन करता हूं, ये आप देख सकते हैं मशीन ऑन हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑलरेडी जो है ये रिचार्जेबल होता है, इनबिल्ट होता है दोस्तों। ये जो है बैटरी सॉकेट है, ये अलग से जो है कंपनी ने दिया है, एसेसरीज है ये, ठीक है। ये होता है जैसे कि इसके अंदर जो आपने बैटरी इसमें जो लगी हुई है, अगर ये डिस्चार्ज हो जाती है तो आप इसे चाहे तो अलग से लगा करके यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है इस मशीन में। ये चार से लगता है इसमें, और ये कैसे अटैच करना है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें सांचा बना होता है, ये आपको सीधा इसके अंदर इंसर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये लगा होता है, ये आपको इसमें ऐसे कर देना है, इसमें जो बोल्ट दिया होता है आप टाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वायर है बैटरी का आप इसमें अटैच कर सकते हैं, तो देखा दोस्तों ये फंक्शन आपको किसी भी मशीन में नहीं मिलने वाला है, जो आपको इस मशीन में मिलेगा। ये अलग से बैटरी भी जो है आप इसमें कैरी कर सकते हैं, और ये डिस्चार्ज हो गया जो इसमें इनबिल्ट बैटरी है, तो आप ये चाहें तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है आपको इस मशीन में, और अपने अकॉर्डिंग जो है इसे जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और जितना चाहे आप इसे घटा सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना इजी था असेंबल करने में, तो आशा करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दोबारा भी जो है दोस्तों इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी नए वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मैं इसी मशीन को लेकर के आता हूँ, कैसे आपको यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।